हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन ऐसी सेफ्टी टिप्स के बारे में जो आपको कंसिडर करनी ही चाहिए अपने न्यूली अराइव्ड पपी को खाना देते हुए। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन सेफ्टी टिप्स के बारे में। लिटिल पपीज़ को थोड़ा ज़्यादा जल्दी भूख लगती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट डॉग्स। उनको अराउंड दिन में 3 से 4 बार खाना देना ही होता है जब तक वो तकरीबन 6 महीने के नहीं हो जाते। इसलिए हमेशा अपने पपी के फूड को थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ही डिवाइड करें। इसके साथ साथ अपने पपी के वेट एंड बॉडी कंडीशन को भी रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करते रहें और उनकी ग्रोथ एंड एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग उनके फूड पोर्शंस को भी मैनेज करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अपने पपी को ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी जिसमें ऑनियंस, गार्लिक, कैफीन या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हों, क्योंकि इन फूड्स को खाने से आपके पपी की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। ऑलराइट, तो ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स अबाउट न्यू पपीज फूड। आपके पास कोई और सजेशंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड ऐसे और डॉग फूड टिप्स के लिए बने रहिए फादर ऑफ डॉगोज के साथ।